बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। बॉलीवुड में अपने सपनों को पूरा करने हर साल लाखों लोग आते हैं। इन लाखों लोगों में से कुछ ही लोग की किस्मत चमक पाती है और बाकी निराश होकर वापस लौट जाते हैं। कुछ ऐसा ही लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के साथ हुआ था। बिहार चुनाव 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान इन दिनों नीतीश सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर बेहद ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब चिराग पासवान पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक्टर बनना चाहते थे। चिराग को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए कंगना रनौत का सहारा लिया गया था। कंगना ने फिल्म के लिए मोटी फीस भी वसूली थी। चिराग अपनी पढ़ाई के बाद ना तो पॉलिटिक्स में आए और ना ही किसी टेक कंपनी में नौकरी करने गए। उन्होंने सीधा बॉलीवुड का रुख किया। साल 2011 में कंगना रनौत के साथ उनकी फिल्म आई थी मिले ना मिले हम। 13 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 97 लाख रुपए था। इस फिल्म में चिराग और कंगना लीड रोल में थे। उनके अलावा नीरू बाजवा और सागरिका घाटके जैसे एक्ट्रेसेस भी थीं। चिराग के फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर बनाया गया था और प्रमोट भी किया गया था। फिल्म का प्रमोशन करने वो पटना भी गए थे। इसी दौरान जब मीडिया ने उनसे राजनीति में आने की बात कही तो वो डिसइंटरेस्टेड दिखे। पढ़ाई खत्म करने के बाद हैंडसम चिराग ने ये ठान लिया था कि वो बॉलीवुड में एक्टर ही बनेंगे। वहीं उनके पिता रामविलास पासवान चाहते थे कि चिराग उनके पॉलिटिकल विरासत को संभालें। जयपुर के एक मॉल में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान रामविलास पासवान आधी फिल्म देखकर ही वहां से निकल गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने बेटे की फिल्म नहीं देखी तो यही जवाब दिया गया कि घर पर अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देख लूंगा। फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब चिराग से पूछा गया कि राजनीति के बजाय उन्होंने बॉलीवुड को क्यों चुना तो इस पर चिराग ने जवाब दिया, राजनीति एक ऐसी चीज है जो मेरे रगों में बहती है। राजनीति से न मैं कभी दूर था, न हूँ और न कभी रह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने फिल्मों को अपना पेशा चुना है क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने आप को बड़े पर्दे पर देखूं। हालांकि चिराग की ये फिल्म पहली और आखिरी फिल्म भी थी। इसके बाद उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली, जिसके बाद साल 2012 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और अब इन दिनों उनका नाम बिहार चुनाव में सामने आ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त चिराग राजनीति में एक्टिव हुए। लोग बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे तो चिराग के कहने पर ही लोजपा एनडीए का हिस्सा बनी। उस चुनाव में चिराग जमुई से खड़े हुए और जीते भी। 2014 में लोजपा 7 सीटों पर लड़ी और 6 जीती। आइए अब बात करते हैं चिराग पासवान के नेटवर्थ के बारे में। 2014 के बाद 2019 में भी चिराग जमुई से ही लड़े और जीत भी गए। इस चुनाव के वक्त उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपने पास 1,84,00,000 रुपए की संपत्ति बताई थी, जिसमें 90 लाख रुपए तो सिर्फ एक बंगले की कीमत ही है जो पटना में स्थित है। वहीं चिराग के पास 2 गाड़ियां हैं, पहली जिप्सी जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है और दूसरी है 30 लाख रुपए की फॉर्चुनर। इसके अलावा चिराग पासवान 6 कंपनीज के डायरेक्टर भी हैं। इन सभी कंपनियों में उनके शेयर हैं, जिसकी कीमत 2019 के मुताबिक 35,91,000 रुपए है। पिछले दिनों रामविलास पासवान का निधन हो गया, जिसके बाद अब उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे चिराग पासवान संभालेंगे। अगर आपको ये न्यूज रिपोर्ट पसंद आई है तो कमेंट्स के जरिए हमें बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।